ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिटर थ्योरी की आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। फिटर थ्योरी की जो सेकेंड ईयर की क्लासेज है उसमें जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्रम वाइज एक एक पार्ट करके, ठीक है। आज जो हम लोग पार्ट वन स्टार्ट करने वाले हैं एक पार्ट में लगभग 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। तो आज हमारी पहली क्लासेस है तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से आराम से बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देख लेना कि कैसे वेबसाइट पे जाना है, कहाँ क्लिक करना है और कैसे आपका पीडीएफ डाउनलोड होगा, ठीक है। तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है www.globalitai.org, ठीक है। कैसे करना है थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आपको अपने फोन में गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। जैसे ही सर्च करेंगे आपको पहला ऑप्शन इस टाइप में मिलेगा globalitai.org, हिंदी में लिखा हुआ ग्लोबल आईटीआई 100% फ्री स्टडी एग्जाम फॉर आईटीआई स्टूडेंट। इस वाले वेबसाइट पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे नया टैब इस टाइप से ओपन होगा। यहाँ पे जो होम हमारे बारे में नई अपडेट आईटीआई कोर्स कंपटीशन कोर्स ये जो ऑप्शन है अगर आप फोन में चला रहे हैं ना तो नॉर्मली आपको नहीं दिखेगा। कैसे दिखेगा उसके लिए आपको यहाँ राइट साइड कॉर्नर में ऐसे तीन डॉट लाइनें बनी होंगी, इस पर आपको क्लिक करना है। उस डॉट पे जैसे ही क्लिक करेंगे सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। फिर आपका आईटीआई कोर्स है आपका तो आईटीआई वाले कोर्स पे आप क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल वर्कशॉप क्वालिफिकेशन सारे ऑप्शन यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के आ रहे हैं। अब फिटर थ्योरी का चाहिए आपको फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लीजिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल चाहिए उस पर क्लिक कर लीजिए, वर्कशॉप कैलकुलेशन चाहिए उस पर कर लीजिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग चाहिए उस पर कर लीजिए। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट है जिसपे चाहेंगे उस पर क्लिक करके उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस हम लोग यहाँ पे टेस्ट वगैरह भी समय समय पर अपडेट करते रहते हैं तो आप वहाँ पे फ्री में टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आपने फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लिया, क्लिक करेंगे नीचे को स्लाइड करेंगे दो ऑप्शन मिलेगा फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर और नीचे है फिटर थ्योरी सेकंड ईयर। आप सेकंड ईयर के हैं तो आप सेकंड ईयर पे क्लिक कर लेना। क्लिक करेंगे इस तरह से नया टैब ओपन होगा, फिर नीचे को आप स्लाइड करते हुए जाएंगे तो देखिए यहाँ पे पहले से भी कुछ पीडीएफ यहाँ पे आपका सिलेबस पड़ा हुआ है एनएसपी ऑफ लेवल 4 वाला जो आपका अपडेट हुआ था, प्लस प्रीवियस ईयर सीबीटी एग्जाम क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे अपलोड है जो आपके पिछले सीबीटी वाले एग्जाम में पूछे गए थे, सेम वही पेपर यहाँ पे अपलोड किया गया है। प्लस कुछ मॉडल पेपर जो कि ग्लोबल आईटीआई के द्वारा तैयार किया गया तो वो भी यहाँ पे अपलोड है। प्लस जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो भी ऐसे नीचे आपका अपडेट होता हुआ चला जाएगा तो आप इसको बराबर चेक करते रहिए। यहाँ पर टेस्ट वगैरह टेस्ट भी आपको यही मिल जाता है, टेस्ट पीडीएफ सब इसके ऊपर आप लोग स्क्रॉल करके चेक कर लीजिएगा, सारी चीजें आपको एक जगह बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। प्लस एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे आप मान लीजिए पार्ट वन वीडियो देख रहे हैं, पार्ट टू पार्ट थ्री आपको कैसे इकट्ठे सब एक जगह मिल जाए तो उसके लिए आपको यूट्यूब में जाएंगे ना तो यूट्यूब में एक सेक्शन होता है प्लेलिस्ट का। किसका सेक्शन होता है? प्लेलिस्ट का होता है। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, यूट्यूब में आप जाओगे ना तो इस तरह से होम, वीडियोज, शॉर्ट्स, लाइव और उसके बगल में प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है। आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना होता है। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए अलग अलग सब्जेक्ट का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का है, फिर यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकंड ईयर का है, इस तरह से कर करके अलग अलग यहाँ पे देखिए फिटर थ्योरी सेकंड ईयर एमसीक्यू 60 वीडियो हो जाए, ठीक है। तो इसमें नई वाली भी अपडेट होती जाएगी तो इस तरह से क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट पे तो यहाँ पे इकट्ठे आप जिस सब्जेक्ट का चाहोगे पूरा उसी का वीडियो मिल जाया करेगा। तो आपको इधर उधर परेशान नहीं होना पड़ेगा कि पार्ट वन कहाँ गया पार्ट टू कहाँ गया। तो तरीका यही होता है, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो काफी लोग चीजें जानते होंगे तो उनको नाराज होने की जरूरत नहीं है, वीडियो की स्किप कर लेना। पर कुछ नए बच्चे होंगे जिन्हें नहीं मालूम होगा तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो, आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाकर ही वीडियो देखा कीजिए तो वहां पे आपको सारी वीडियो अलग अलग कैटेगरी वाइज इकट्ठा मिल जाया करेगी। चलिए हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, विच स्पेशल फाइल इज यूज्ड फॉर नैरो वर्क। नैरो वर्क के लिए संकीर्ण जगहों पे जहां पे पतली जगह है, नैरो है, पतला है, संकीर्ण जगह है, वहां पे कौन सी फाइल का यूज किया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है पिलर फाइल। देखिए पिलर फाइल क्या होता है, देखिए आपके क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ, फिगर मैंने अलग से ले रखा है जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। यह पिलर फाइल है आपका, पिलर फाइल कैसी फाइल होती है तो देखिए आयताकार, इसका क्रॉस सेक्शन देखिए यहाँ पर बनाया गया कैसा होता है, आयताकार आकृति का होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात होती है कि जो पिलर फाइल होती है जो आपकी हैंड फाइल होती है ना उसी के लगभग समान होती है, बस फर्क क्या होता है, हैंड फाइल आप लोग जानते होंगे कि हैंड फाइल जो होती है वह पूरी लंबाई में, जो पूरी लंबाई में उसका चौड़ाई होता है वह एक समान होता है। मतलब कहीं भी आगे ज्यादातर फाइलों में आगे का 1/3 भाग जो होता है वह चौड़ाई और मोटाई दोनों में टेपर रहता है, पर हैंड फाइल ऐसी फाइल है जो पूरी लंबाई में उसकी चौड़ाई एक समान रहती है, पूरी लंबाई में उसकी चौड़ाई क्या रहती है एक समान रहती है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन सी फाइल है जो पूरी लंबाई में एक समानांतर रहती है तो वह आपकी हैंड फाइल ही है, ठीक है। तो यह भी हैंड फाइल के ही समान होता है, लेकिन फर्क क्या है कि यह हैंड फाइल की अपेक्षा कम चौड़ा होता है, हैंड फाइल की अपेक्षा कम चौड़ा होता है और मोटाई इसकी अधिक होती है हैंड फाइल से। ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई हैंड फाइल से कम होगी और मोटाई हैंड फाइल से अधिक होगी, चौड़ाई कम होती है किससे, हैंड फाइल से, हैंड फाइल से, ठीक है, और
मोटाई जो होता है अधिक होता है, इससे हैंड फाइल से, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान देना है। तो यह देख रहे हैं कि उसकी अपेक्षा कम चौड़ी है, हैंड फाइल से कम चौड़ी है, इसका मतलब यह जहां पे कम जगह होगी, जहां पे नैरो जगह होगा, संकीर्ण जगह होगा, वहां पे हम इस फाइल का यूज कर पाएंगे। तो इसका मतलब यह ऑप्शन है सही है, पिलर फाइल जो होता है वह संकीर्ण जगहों के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे कि आपका खांचा हो गया, कहीं पे खांचा कटा हुआ है, या फिर साफ्ट वगैरह में, साफ्ट में जो हमारा कीवे बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, कीवे, की को लगाने के लिए जो कीवे बनाया जाता है, वहां पर भी हम इस पिलर फाइल का यूज कर सकते हैं फाइलिंग वगैरह करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्वायर, सॉरी ऑप्शन है स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल क्या है, तो आपको जो ये वाला फिगर दिख रहा है स्क्वायर फाइल का है, इसकी आकृति वर्गाकार होती है, देख रहे ना, मतलब इसकी चारों भुजाएं एक बराबर होती है, वर्गाकार आकृति। इसका यूज कहां करेंगे भाई, स्क्वायर फाइल है मतलब नाम से पता चल रहा है, स्क्वायर मतलब वर्ग के आकार की, अगर वर्ग के आकार की फाइल है तो कहीं पर अगर स्क्वायर होल बना हुआ है, स्क्वायर होल बना हुआ है तो वहां पर उसकी फाइलिंग करने के लिए, या फिर इस तरह से आयताकार स्लॉट कहीं पे बना हुआ किसी जॉब में तो उसकी फाइलिंग के लिए भी हम लोग स्क्वायर फाइल को यूज करते हैं। उसके बाद आता है ड्रेड नॉट फाइल, जो ऑप्शन सी आपको दिख रहा है, यह वाले जो फाइल आपके सामने है ना, यह ड्रेड नॉट फाइल है। कौन सी फाइल है, ड्रेड नॉट फाइल है। ड्रेड नॉट फाइल का यूज किया जाता है हमारा जनरली सॉफ्ट मटेरियल के, जैसे एल्युमिनियम ताबा वगैरह हो गया, उनकी फाइलिंग करनी हो, या फिर खास करके यह कई बार पूछा भी गया है कि प्लास्टिक की घिसाई के लिए कौन सी फाइल यूज की जाती है, तो नॉन मेटेलिक, इसके लिए नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक के लिए भी हमारा कौन सी फाइल यूज किया जाता है, ड्रेड नॉट फाइल। या फिर कह लीजिए लकड़ी की घिसाई करनी हो या फिर प्लास्टिक की घिसाई करनी हो, स्पेशली कई बार यह वाला अंडरलाइन करके पूछा गया है कि प्लास्टिक की घिसाई के लिए कौन सी फाइल यूज की जाती है, तो वह ड्रेड नॉट फाइल है, ठीक है। लकड़ी की घिसाई करनी हो या प्लास्टिक की करनी हो, या कह लीजिए नॉन मेटेलिक, मतलब जो मेटल नहीं है, नॉन मेटेलिक अगर गैर धातु है तो उसके लिए भी हम लोग ड्रेड नॉट फाइल यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्विस, सॉरी ऑप्शन है स्विस पैटर्न फाइल। यह जो फिगर आपको दिख रहा है ना, यह स्विस पैटर्न फाइल का है। देखिए आपको फिगर से भी फाइल को पहचानना पड़ेगा, इसलिए जो मैं नाम बता रहा हूँ तो उसके फिगर को भी दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अगर कभी भी, देखिए फिटर में बहुत ही आसान है, अगर आपने फिगर को ध्यान में रख लिया ना, क्वेश्चन पढ़ते ही अगर उस क्वेश्चन का फिगर आपके दिमाग में आ गया तो 90% आपका जो आंसर है वहीं सही हो जाना है, क्योंकि अगर आप पकड़ ही नहीं पाए कि पूछना क्या जा रहा है, आपको फिगर ही दिमाग में नहीं आ रहा है कि है क्या चीज, तो आपका आंसर कहां से सही होगा। इसलिए फिटर में जो है फिगर बहुत जरूरी है, आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो उसका फिगर आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर यह नाम ले रहा है तो यह क्या चीज है, कैसा दिखता है, फिगर आपके दिमाग में आ गया काम आधा तो वहीं बन जाना है, ठीक है। चलिए तो स्विस पैटर्न फाइल हमारे पास है, इसको हम लोग प्राथमिक फिनिशिंग उपकरण के नाम से भी जानते हैं, प्राथमिक का मतलब प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी फिनिशिंग उपकरण, इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए, टूल कह लीजिए, ठीक है। जो हमारे स्विस पैटर्न फाइल होती है इसको प्राथमिक फिनिशिंग उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिक एक्यूरेसी में, जहां पे बात होती है अधिक एक्यूरेसी से फाइलिंग करने की, अधिक सटीकता से बनाने की जॉब की, तो वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। जिसका नाम आप लोग ध्यान रखें कि इसको हम लोग प्राइमरी फिनिशिंग टूल के नाम से भी जानते हैं, कौन सी फाइल को, स्विस पैटर्न फाइल को, ठीक है। तो कई बार अभी एग्जाम में, या फिर अधिक एक्यूरेसी की जहां बात आ जाए, इसकी प्रिसीजन, अधिक सटीकता की, परिशुद्धता, चिकनाई की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, कि अगर हमें परिशुद्धता में चिकनाई करनी है, परिशुद्धता में चिकनाई चाहिए, मतलब स्मूथनी, प्रिसीजन, क्या कह सकते हैं, प्रिसीजन स्मूथिंग की जरूरत हो, तब भी वहां पे स्विस पैटर्न फाइल यूज किया जाएगा। या अधिक एक्यूरेट जॉब, अधिक एक्यूरेसी में काम करते, अधिक एक्यूरेट, अधिक सटीकता में जॉब हमें बनाना हो तब भी स्विस पैटर्न फाइल का नाम आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ चारों ऑप्शन को भी सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, तो दिमाग में आपके कतई ये ना आ जाए कि यार हमने इतने ज्यादा समय में सिर्फ 15 क्वेश्चन सॉल्व किया। नहीं, क्वेश्चन 15 होंगे, लेकिन चूंकि हम उसके साथ साथ चार चार ऑप्शन को भी सॉल्व कर रहे हैं, तो आप 15 चौक को कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब जो आप समय देखना, तो उसमें देखना कि हमने इतने समय में 60 क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। प्लस इससे फायदा क्या होगा कि अगर एग्जाम में बाई चांस ऐसा होता जैसा कि पिछली बार हुआ है, पिछली बार कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर क्वेश्चन पूरा मैच नहीं कर रहा, तो पिछली बार निम्मी ने क्वेश्चन बदला, सेम वही क्वेश्चन अब धीरे धीरे वो बदल रहे हैं, 10% 20% क्वेश्चन, बहुत से बच्चों में 30% तक क्वेश्चन नए आए हुए हैं, ठीक है। तो हो सकता है इस बार और ज्यादा हो जाए, 50 हो जाए, 60 हो जाए, या और भी बदल जाए। तो अगर हम सारे क्वेश्चन के ऑप्शन को भी देखते हुए चलेंगे, तो इससे फायदा हमें ये मिलेगा, बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर क्वेश्चन बाय द वे चेंज भी हो जाता है,
तो उस केस में हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब देखिए क्वेश्चन चेंज होगा, वो सिलेबस नहीं चेंज करेगा आपका, सिलेबस तो वही रहेगा, टॉपिक तो क्वेश्चन चेंज होगा। तो अगर आप सारी चीजें डिटेल में जानते रहेंगे तो उसको क्वेश्चन चेंज करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो नट ले रखा है, यह हमारा ऊपर वाला जो है यह कैसल नट है, नीचे वाला स्लॉटेड नट है। तो इसको स्लॉटेड नट, इसको कैसल नट कही है, स्लॉटेड कैसल नट कही, दोनों की बात है। तो दो नट है हमारे पास, ठीक है। स्लॉटेड नट क्या था, इसी चीज को हम देखेंगे, भी हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। स्लॉटेड नट में था कि जो हमारी नट की मोटाई थी ना, इसी मोटाई में हमने क्या किया था, यहाँ पे 1/3 गहराई तक खांचा काट दिया था। कितना, 1/3 गहराई। अगर कहने का मतलब है कि अगर इसकी मोटाई कितना है आपका 30 mm है, तो यह 10 mm तक खांचा काट दिया जाएगा। तो यह खांचा क्यों काटा गया, जब हमारा कोई भी जो बोल्ट होता है, बोल्ट में जब नट टाइट किया जाता है तो मशीनों में वाइब्रेशन होता है, जो वाइब्रेशन होता है तो वो नट धीरे धीरे खुल जाता है। तो नट को लॉक करने के लिए, कि अगर मशीनों में वाइब्रेशन भी हो और हमारा नट ना खुले, तो नट को लॉक करने के लिए हमने क्या किया कि नट में स्लॉट काट दिया, नट में स्लॉट काट दिया। और जो हमारे पास बोल्ट होता है ना, जो हमारे पास बोल्ट होता है, बोल्ट में भी हम क्या करते हैं, एक होल बना देते हैं। फिर क्या करते हैं, नट को टाइट करने के बाद एक स्प्लिट पिन होती है हमारे पास, इस टाइप से स्प्लिट पिन होती है ऐसे, ठीक है। तो स्प्लिट पिन को क्या करते हैं कि इस नट के स्लॉट में से होते हुए इस बोल्ट के होल में से निकाल करके फिर दोनों टांगों को दो तरफ मोड़ देते हैं। तो ये स्प्लिट पिन क्या करती है, जब नट में से होते हुए जाती है बोल्ट के होल में से, उस पर निकल के लॉक कर देते हैं, तो कितना भी वाइब्रेशन होगा, अभी नट नहीं खुलेगा या नट लॉक हो गया, तो लॉक करने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन जब हमने 1/3 गहराई इसमें खांचा काट दिया नट को लॉक करने के लिए, तो इससे एक दिक्कत हुई कि नट की सामर्थ्य कमजोर हो गई ना, इसका स्ट्रेंथ कम हो गया ना भाई, हमने इसमें खांचा काट दिया, अब नट आपका कमजोर नहीं हो गया, पहले पूरा नट भरा हुआ था, खांचा काटने के चक्कर में, लॉक करने के चक्कर में इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, सामर्थ्य कम हो गई। ये दिक्कत आई किसमें, स्लॉटेड नट में। भाई फायदा तो मिला हमें, नट लॉक हो गया, वाइब्रेशन में खुलेगा नहीं, लेकिन दिक्कत क्या आई कि इसका स्ट्रेंथ कम हो गया, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया, स्लॉटेड नट के बाद बनाया गया कैसल नट, या फिर स्लॉटेड कैसल नट के लिए। कैसल नट में क्या किया गया, इसके मोटाई में कोई भी खांचा नहीं काटा गया, मतलब इसकी स्ट्रेंथ में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, जो था सेम वही था। हमने क्या किया, इसमें अलग से एक ऊपर सिलेंड्रिकल भाग बढ़ा दिया, जिसे बेलनाकार भाग भी कह सकते हैं, सिलेंड्रिकल भाग अलग से। कई बार पूछ लेता कौन से नट में ऊपर का भाग सिलेंड्रिकल आकार में बढ़ाया जाता है, कैसल नट में, स्लॉटेड कैसल नट या कैसल नट के लिए। तो इसमें क्या किया गया, एक अलग से सिलेंडर भाग इसमें बढ़ा दिया गया, बेलनाकार भाग, और फिर उसमें खांचा काटा गया। जब इसमें खांचा काटेंगे तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आपका नट भी कमजोर नहीं हुआ, लेकिन नट भी कमजोर नहीं हुआ, उसका स्ट्रेंथ सेम टू सेम वही बना रहा, और यह नट को लॉक करने का भी काम बन गया। तो ये काम था किसका, स्लॉटेड कैसल नट का, ठीक है। तो देखिए पहला ये ऑप्शन है स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भाई स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिया गया, ये पूछ रहा है कि इसमें ये स्लॉट क्यों बना हुआ था। तो स्लॉट इसलिए बना हुआ ताकि स्लॉट में हम लोग क्या करें, ये जो स्प्लिट पिन मैंने आपको बताया कि इस तरह से हमारे पास स्प्लिट पिन होती है, ठीक है, और इसको स्प्लिट पिन को इस स्लॉट में से होते हुए बोल्ट के छिद्र में से बाहर निकाल करके दोनों पैरों को दो साइड मोड़ देते हैं, जिससे कि नट आपका लॉक हो जाए। तो स्प्लिट पिन का काम क्या था, उस नट को हमारा फिक्स करने के लिए, स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए हमने क्या किया, उसमें स्लॉट काटा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है लिमिट गेज का नाम क्या है, यहाँ पे आपको एक लिमिट गेज दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं जो बड़ा वाला हिस्सा है इस पे गो लिखा गया है, जो छोटा वाला है इसे नो गो लिखा गया है। ये इसकी पहचान भी इसी हिसाब से होती है कि जो बड़ा वाला भाग होता है वह गो रहता है, छोटा वाला नो गो रहता है। कौन सा, यह जो गेज है, यह गेज कौन सा है, तो आप देखिए ऐसा लग नहीं रहा है कि एक साइड एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन, मतलब एक ही साइड बढ़ता हुआ भाग है, जैसे कि प्रोग्रेस कर रहा हो, कोई चीज एक ही साइड बढ़ेगा तो प्रोग्रेस करेगा ना, तो प्रोग्रेस जैसा दिख रहा है, तो इसलिए कौन सा गेज है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज है। कौन सा गेज है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन सा था, प्लेन रिंग गेज, ठीक है, फिर टेपर प्लग गेज और डबल एंडेड प्लग गेज। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, मेन हमारा होता है देखिए रिंग गेज और प्लग गेज, दोनों का पहचान कैसे करेंगे, इसको जरा ध्यान देंगे हम लोग, रिंग गेज और प्लग गेज, ठीक है, मेन हमारे दो होते हैं, और बाकी तो उसके नाम के हिसाब से आप लोग पकड़ लोगे। पहले दो जो मेन है उनको जानिए कि रिंग गेज क्या होता है, प्लग गेज क्या होता है, बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, हमेशा याद रहेगा, भूलेगा नहीं कभी, ठीक है। रिंग गेज क्या होता है, रिंग का मतलब आप लोग जानते हैं ना, आज के रिंग सेरेमनी भी होती है, रिंग का मतलब जिसमें अंगूठी पहनाया जाता है, रिंग का मतलब अंगूठी, ठीक है। तो आप अंगूठी को कहां पहनते हो, अंगूठी को जो है, रिंग को जो है आप उंगली के ऊपर पहनते हो, उंगली के ऊपर, अंगूठी इसी तरह से गोल सी तो होती है, या आपका रिंग गेज का देखिए फिगर है, ये जो फिगर है या रिंग गेज का है हमारा। तो रिंग गेज क्या होता है, तो रिंग अंगूठी होती है, रिंग का मतलब दिमाग में रिंग गेज आए तो तुरंत समझ लीजिएगा, रिंग का मतलब अंगूठी होता है, और अंगूठी को उंगली के ऊपर पहना जाता है, इसका मतलब बाहरी माप लेगा,
भाई उंगली क्या होगी, उंगली के ऊपर पहनेंगे तो बाहरी माप हो गया ना, तो इसका मतलब जो रिंग ये जूता है ये बाहरी माप के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? बाहरी व्यास को चेक करने के लिए, बाहरी डाया या बाहरी व्यास को चेक करने के लिए। अब प्लग गेज कैसे याद होगा, तो प्लग का याद रख लीजिए कि आपके घरों में भी प्लग होता है। प्लग क्या होता है? प्लग किस टाइप से होता है ना, आपके पास दो पिन निकली रहती है और आपके घरों में सॉकेट होता है। तो प्लग क्या होता है? प्लग इस सॉकेट के अंदर चला जाता है। जब प्लग सॉकेट के अंदर जाएगा तो अंदर की माप लेगा, तो ये दिमाग में आ जाएगा प्लग, प्लग मतलब प्लग हमारे घरों में होता है और वो सॉकेट के अंदर चला जाता है। अंदर चला जाता है मतलब अंदर की माप लेगा। इसका मतलब जो प्लग गेज होता है वह आंतरिक माप लेने के लिए, आंतरिक व्यास को चेक करने के लिए, इंटरनल डायमीटर। आंतरिक माप या आंतरिक व्यास को चेक करेगा, जबकि रिंग गेज बाहरी व्यास या बाहरी माप को चेक करेगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रहेगा। रिंग मतलब अंगूठी, अंगूठी ऊपर पहनी जाती है तो बाहरी, और प्लग मतलब प्लग सॉकेट के अंदर जाता है तो आंतरिक। ये चीज थोड़ा सा याद रखने के मैंने बता दिया आपको। बाकी देखिए रिंग गेज कैसा दिखता है, इस टाइप से दिखता है रिंग गेज में। यह ऊपर जो हिस्सा ना, इसके बॉडी पे नर्लिंग किया गया, नर्लिंग इसलिए किया जाता है जिससे कि हाथ से जब हम इसे पकड़े तो स्लिप ना करे, आपकी ग्रिप बना रहे, और कोई काम नहीं। जो ये नर्लिंग किया गया है सिर्फ इसलिए किया गया है जिससे आपका हाथ स्लिप ना करे, आपकी ग्रिप प्रॉपर बनी रहे। रिंग गेज भी आपका दो आता है, एक गो और एक नो गो। एक गो होता है हमारा, एक क्या होता है हमारा, नो गो होता है। पहचान कैसे होती है? जो नो गो वाली होती है वो लंबी होती है और बीच में सर्कुलर ग्रूव बना होता है। क्या होगा? ये नर्लिंग किया गया होगा, बीच में सर्कुलर ग्रूव बना होगा। ये पहचान होती है किसकी? रिंग गेज की, गो और नो गो की। या गो होता है और या नो गो होता है, ये पहचानने का तरीका है। ठीक है, जो छोटा वाला रहेगा वह गो रहेगा, जो बड़ा वाला रहेगा नो गो रहेगा। किसमें? रिंग गेज में। या फिर दूसरा तरीका कि जिसपे सर्कुलर ग्रूव बना होगा वह नो गो रहेगा और जिसपे नहीं बना होगा वह गो वाला रहेगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग किसका, टेपर प्लग गेज। देखिए प्लेन रिंग गेज तो हो गया, टेपर प्लग गेज को अभी बाद में देखेंगे, पहले डबल इंडेड प्लग गेज देख लीजिए। यहाँ पे जो है यह है हमारा क्या, डबल इंडेड प्लग गेज, दो सिरा वाला, और ये प्रोग्रेसिव था क्योंकि दोनों सिरा एक ही साइड आ गया, एक ही साइड प्रोग्रेस कर रहा था तो हमने प्रोग्रेसिव प्लग गेज कर दिया। अब इसमें इस प्लग गेज में क्या है, दोनों सिरा दो साइड है, तो ये हमारा क्या होगा, डबल इंडेड प्लग गेज। प्लग गेज का काम मैंने बता दिया था आंतरिक व्यास से आंतरिक माप को चेक करने के लिए। इसमें अब कौन सा हिस्सा गो है और कौन सा नो गो है, तो इसमें जो है आप देखेंगे कि जो लंबा वाला होता है, दोनों में देखिए यह इसकी लंबाई कम है, इसकी लंबाई ज्यादा है, तो जो लंबा वाला होता है वह गो कहलाता है, जो छोटा वाला होता है वह नो गो सिरा कहलाता है। ठीक है, मतलब अगर आप किसी होल को आंतरिक माप को चेक कर रहे हो तो वह सही कब माना जाएगा, कि जो गो वाला सिरा है वह उस होल के अंदर चला जाए और जो नो गो वाला सिरा है उस होल के अंदर ना जाए, तो इसका मतलब हम मान लेंगे कि हमारा होल जो बना हुआ बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ। या फिर क्या हो, गो वाला चला जाए और नो गो, नो गो का मतलब नहीं जाना चाहिए, वह भी चला जा रहा है। अगर गो और नो गो दोनों चले जा रहे हैं इसका मतलब हमारी होल सही नहीं है, गलत है। और अगर गो भी नहीं जा रहा है और नो गो भी नहीं जा रहा, दोनों ना जाए, तब भी गलत है। गो वाला जाना चाहिए और नो गो वाला नहीं जाना चाहिए, अगर ऐसा होता है तभी इस होल को सही माना जाएगा। तो यही काम होता है प्लग गेज का चेक करने के लिए। और जो टेपर प्लग गेज होता है तो देखिए वही काम है, प्लग गेज मतलब आंतरिक माप को चेक करेगा, लेकिन टेपर प्लग गेज है इसका मतलब आंतरिक टेपर को चेक करेगा। अगर कोई होल में टेपर में बना हुआ है तो होल के टेपर को चेक करने के लिए टेपर प्लग गेज यूज किया जाएगा। इसका फिगर आप देख रहे होंगे, इसके आगे कैसा देखिए, इसलिए टेपर में बनाया गया है टेपर को चेक करने के लिए। यह हमारा टेपर प्लग गेज का फिगर हो जाएगा। ठीक है, आसान है, जैसा नाम है वैसा काम है। टेपर प्लग गेज मतलब वह होल में अगर टेपर होगा तो टेपर को चेक करेगा, नॉर्मल प्लग गेज है तो नॉर्मल होल के व्यास को चेक करेगा, तो ये तरीका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला कह रहा है इस गेज का नाम क्या है, देखिए बताने की जरूरत तो है ना, इसलिए हम लोग ऑप्शन सॉल्व कर रहे थे, यही तो फायदा है भाई। मैंने बताया ना कि यह क्या है आपका, यह रिंग गेज है आपका, इसमें नर्लिंग किया गया है, एक हिस्सा जो छोटा वाला है हमारा गो होता है और दूसरा जो बड़ा वाला होता है जिसमें सर्कुलर ग्रूव कटा होता है वो हमारा क्या होता है, वो नोगो वाला होता है, और बीच में से नर्लिंग किया गया था। नर्लिंग क्यों किया गया होता है, ताकि हाथों की ग्रिप बनी रहे। तो ये पूछा था गेज कौन सा है, रिंग गेज है, बाहरी माप के लिए है। प्लग गेज हमने बात किया था आंतरिक माप के लिए, डबल इंडेड वाला है। ठीक है, टेपर रिंग गेज और टेपर प्लग गेज। देखिए टेपर प्लग गेज क्या कर रहा था, आंतरिक व्यास के टेपर को चेक, मतलब कोई होल में टेपर बना हुआ था उसको चेक कर रहा था, तो वैसे टेपर रिंग गेज है तो ये बाहरी को चेक करेगा, या आंतरिक टेपर को चेक कर रहा था, या किसी शॉफ्ट पे या किसी जॉब पे बाहरी टेपर, कोई बेलनाकार जॉब है और उस पे इस टाइप का जॉब है, कोई जॉब है हमारे पास उसपे बाहर ऐसे टेपर कटा हुआ है, तो इस टेपर को चेक करेगा कौन, या हमारा रिंग गेज, क्योंकि रिंग गेज बाहरी टेपर को चेक करता है, सॉरी बाहरी व्यास को चेक करता है। टेपर रिंग गेज हो गया तो बाहरी टेपर को चेक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए, मतलब दो पार्ट मिल रहे हैं
दो पार्ट आपस में, तो उनके गैप को चेक करने के लिए, एक मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है सर, पर कर देते हैं, ठीक है ठीक है। तो दो पार्ट जब मिलते हैं, मिलने वाले भाग मतलब एक पार्ट यहाँ पे रखा गया, जैसे यह दोनों पार्ट रखे गए हैं, एक पार्ट यह हो गया हमारे पास, दूसरा पार्ट और हो गया, अगर दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर रखे जाएंगे तो थोड़ा बहुत उनके बीच में, दो पार्ट एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो उनके बीच में थोड़ा बहुत गैप रह जाएगा, तो वह गैप कितना है, तो उस गैप को चेक करने के लिए कौन सा यूज किया जाए, तो ये पूछ रहा है कि मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है, तो गैप की जो जांच करता है वह फिलर गेज। इन दोनों गैप में कोई चीज ऐसा हो जो फिल हो जाए, भर जाए, और उसको फिर हम बाहर निकाल करके उसकी मोटाई देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनके बीच में गैप कितना है। फिलर मतलब फिल हो जाना, कहाँ फिल होगा, जहां गैप रहेगा, तो इससे याद करने में आसानी होगी, फिलर मतलब फिल हो जाना, भर जाना। तो जो फिलर गेज होता है या गैप की जांच करता है, इसको हम लोग थिकनेस गेज के नाम से भी जानते हैं, कौन से नाम से, थिकनेस, थिकनेस गेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ। कौन गैप चेक करेगा, फिलर गेज चेक करेगा, इसको थिकनेस गेज के नाम से जानते हैं। फिलर गेज हमारा यहाँ पे फिगर भी हमने ले रखा है, जो यह वाला फिगर है ना, यह हमारा किसका है, फिलर गेज का, ठीक है, यह हमारे पास क्या है, फिलर गेज है। इसमें इस तरह से अलग अलग कई सारी ब्लेड होती है, यह जो ब्लेड होती है ना हमारा 0.03 से जनरली जो बनाई जाती है 1 mm तक मोटाई में बनाई जाती है, 1.0 mm तक, ठीक है। और जो एक ब्लेड से दूसरे ब्लेड की मोटाई होती है ना, उसमें कितना अंतर होता है, मतलब अगर एक ब्लेड कितना मोटा होगा, अगला ब्लेड कितना, अगला ब्लेड कितना, तो प्रत्येक ब्लेड का एक ब्लेड से जो अंतर होता है मोटाई का, वो 0.01 mm का रहता है। मोटाई में कितना अंतर रहेगा, मतलब एक ब्लेड दूसरे ब्लेड से 0.01 mm अधिक मोटी रहेगी, या आप कह सकते हैं 0.01 mm के स्टेप की मोटाई में हर एक ब्लेड बनाई जाती है, ठीक है। यह लगभग 100 mm की लंबाई में इसकी ब्लेड रहती है, और इसकी जो चौड़ाई रहती है ब्लेड की, चौड़ाई लगभग 12 mm रहती है, कितना रहता है, 12 mm रहता है। तो ये सारी चीजें भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो टेक्निकल पार्ट है, तो आपको थोड़ा याद रहेगा। यह लगभग 4 सेट में पाया जाता है, कई बार अभी पूछा जाता है, तो फिलर गेज आपका लगभग 4 सेट में पाया जाता है, क्लियर हो गया फिलर गेज का। स्लिप गेज देख लेते हैं, स्लिप गेज क्या है, ठीक है, यह वाला जो फिगर है ना आपका, यह स्लिप गेज का, इसको एक दो और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि गेज ब्लॉक, गेज ब्लॉक, या फिर जॉनसन गेज के नाम से भी जाना जाता है, कौन से नाम से, जॉनसन, जॉनसन गेज के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल जो है स्लिप गेज को जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, बनाया था, इसीलिए उन्हें स्लिप गेज को जॉनसन गेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरा ये भी क्वेश्चन आता है कि जो स्लिप गेज है हमारा, यह किसका बना होता है, तो जो स्लिप गेज हमारा होता है ना, यह हाई ग्रेड की स्टील का बनाया जाता है, हाई ग्रेड स्टील का बना होता है, या फिर स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है, क्रोमियम स्टील, या फिर एक और नई चीज है, जिरकोनियम ऑक्साइड, जिरकोनियम ऑक्साइड। तो हमारा जो स्लिप गेज है, इन तीनों में से किसी भी चीज का बना हो सकता है, ठीक है। स्लिप गेज यहाँ पे आपको दिखाया गया, इस तरह से अलग अलग ब्लॉक होता है, फिगर में आपको दिख रहा होगा, एक ब्लॉक यह है, एक ब्लॉक यह है, तो अलग अलग आयताकार कार ब्लॉक के रूप में हमारा स्लिप गेज होता है। इसका काम क्या है, तो इसका काम होता है परिशुद्ध लंबाई मापने के लिए, परिशुद्ध लंबाई मापने में, लंबाई मापने में, या फिर कह लीजिए प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट को चेक करने में, एक्यूरेसी चेक करने, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी, एक्यूरेसी चेक करने में, ठीक है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट मतलब सूक्ष्म मापी यंत्र, जैसे आपका वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, तो उनको भी इनके द्वारा चेक किया जाता है कि जो हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर है, या फिर माइक्रोमीटर है, या वर्नियर कैलिपर है, वह सही है या नहीं। यह जो हमारा बनाया जाता है स्लिप गेज का ब्लॉक ना, यह एकदम एक्यूरेट साइज में बनाया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए 3 mm लंबाई में बनाया गया है, यह कितना लंबा है, मान लीजिए आपका यह स्लिप गेज जो है यह 3 mm लंबा है, तो अगर मान लीजिए इसका किसी चीज से तुलना करते हैं, या फिर माइक्रोमीटर में फिर इसकी माप लेते हैं, अगर माइक्रोमीटर से इसको हम मापते हैं और इसकी माप 3 mm से ज्यादा आ जाए, 3.1 mm आ जाए, या 2.9 mm आ जाए, तो इसका मतलब नहीं है कि हमारा स्लिप गेज जो है खराब है, नहीं, इसका मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से आप माप रहे हो वह इंस्ट्रूमेंट खराब है, क्योंकि स्लिप गेज हमारा बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी में बनाया जाता है, यह दूसरे इंस्ट्रूमेंटों की, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंटों की एक्यूरेसी को चेक करता है। अगर उसमें गलत माप आ रहा है, इसका मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट खराब है, ना कि स्लिप गेज गड़बड़ है,
तो ये चीज होता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे ये प्लग गेज। प्लग गेज के बारे में हमने पहले देख लिया है, आंतरिक माप लेने के लिए यहाँ पे प्लग गेज का फिगर है। और रेडियस गेज, रेडियस गेज ये वाली चीज है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज करूंगा चीजों को, फिर हम लोग रेडियस गेज का देखेंगे, ठीक है। ये जो फिगर है हमारा ना रेडियस गेज का है, नाम से पता चल रहा है, रेडियस गेज मतलब यह त्रिज्या को चेक करेगा, इसे हम लोग रेडियस गेज या फिलेट गेज के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिलेट है, फिलेट गेज, और ये फिलर गेज था, तो कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये फिलर गेज है, ये फिलेट गेज है, रेडियस गेज या इसको हम लोग फिलेट गेज के नाम से भी जानते हैं। इसका काम क्या होता है, यह आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या दोनों को चेक करता है। किसको चेक करता है, आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या को। जैसे कि यहाँ फिगर में देख रहे होंगे दो टाइप के हमें मिलते हैं रेडियस गेज, एक नीचे देख रहे हैं इसमें दोनों अलग अलग ब्लेड है, या देखिए कई सारी ब्लेड इधर भी है, कई सारी ब्लेड इधर है, यह जो ब्लेड है इसमें इस टाइप से बनाया गया है और इस ब्लेड में इस टाइप से आकृति कटी हुई है, ठीक है। तो कहाँ पे यूज होगा, तो मान लीजिए कोई हमारे पास जॉब है उसमें इस टाइप से बना हुआ है, अब हमें इस रेडियस को चेक करना है, तो यह ब्लेड तो इसमें जाएगी नहीं, यह वाला हिस्सा आसानी से इसमें चला जाएगा, तो यह कौन सा हो गया, यह जो हो गया हमारा आंतरिक रेडियस हो गया ना, तो आंतरिक रेडियस को मतलब आंतरिक माप को चेक करने के लिए इधर वाला ब्लेड, जितने भी सारे ब्लेड है ये आंतरिक माप को चेक करेंगे, और जो इधर वाला होगा यह देखिए इस टाइप से बना हुआ, तो कहीं पे अगर बाहरी रेडियस हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रेडियस इस टाइप से कॉर्नर पे रेडियस ऐसे बना हुआ, इस रेडियस को चेक करना है, तो वहां पे यह वाला तो ऐसे टकरा जाएगा, इससे कोई मतलब तो है नहीं, यहाँ से तो माप निकलेगी नहीं, तो कैसे निकलेगी, इस वाले से, देखिए इसमें गड्ढा टाइप का बना हुआ है, तो यह वाला यहाँ पे ऐसे ब्लेड सेट हो जाएगा, जो ब्लेड बिल्कुल सही से यहाँ पे सेट हो जाएगा इस टाइप से, उस ब्लेड पे हम लोग देखें सभी ब्लेड पे उसका माप लिखा रहता है कि कितना रेडियस वाला ये ब्लेड है, जो सेट हो जाएगा उस पर पढ़ लेंगे कि इसका रेडियस कितना है, तो यह किसको चेक करता है, बाहरी माप को। इधर वाला जो होगा इस टाइप से जो बना रहता है यह इंटरनल रेडियस को चेक करता है, और इधर जो इस टाइप से बना होता है यह एक्सटर्नल रेडियस को चेक करता है, तो यह दोनों अलग अलग ब्लेड होते हैं, या तो एक जो ऊपर है इस टाइप का भी आता है, ठीक है, यह नीचे वाला होगा जिसमें इंटरनल के लिए अलग ब्लेड और एक्सटर्नल के लिए अलग ब्लेड होते हैं, और एक होता है हमारे पास जिसमें एक ही ब्लेड में दोनों होता है, देखिए यहाँ पे इस टाइप से बना हुआ है, यहाँ गया, यहाँ पे स्लॉट कटा हुआ है, हाँ, और यहाँ पे रेडियस बना हुआ है, फिर से मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पे ऐसे अंदर को कटा हुआ है और यहाँ पे आएंगे तो बाहर को रेडियस बना हुआ, यह अंदर को कटा हुआ तो यह क्या करेगा, एक्सटर्नल कहीं पर भी बाहरी जो रेडियस बना हुआ उसको चेक करेगा, और यह वाला हिस्सा जो है गड्ढे के अंदर चला जाएगा तो इंटरनल को चेक करेगा, मतलब एक ही ब्लेड में एक साइड एक्सटर्नल चेक करने के लिए और एक साइड इंटरनल चेक करने के लिए बना गया होता है, तो यह दो टाइप के हमारे पास रेडियस गेज मिलते हैं, एक अलग और एक होता है एक ही में दोनों सिस्टम दिया होता है, तो फिगर जरूर ध्यान रखिए क्योंकि आपको कई बार एग्जाम में फिगर दे करके भी पूछ लेता है, तो आप आसानी से बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, या आपके सामने स्लिप गेज अलग अलग आयताकार ब्लॉक के रूप में मिलता है, मैंने बताया भी इसका नाम जॉनसन गेज के नाम से जानते हैं, गेज ब्लॉक के नाम से जानते हैं, यह हमारा बना होता है जिर्कोनियम ऑक्साइड का, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का या हाई ग्रेड स्टील का बना होता है, पीछे बताया था मैंने, सारी चीजें नोट कर लीजिएगा। बाकी यह बात करा स्लिप गेज को साफ करने के लिए, देखिए स्लिप गेज को कार्बन टेट्राक्लोराइड से साफ किया जाता है, किससे साफ किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से। जब भी स्लिप गेज पे काम करने के बाद जब हम उसे वर्कशॉप में रखने जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसे ऐसे ही रख देंगे, उस पर भाई जब आपने काम कर रखा था थोड़ा बहुत इधर उधर टच वगैरह हुआ होगा, तो अगर आप डायरेक्ट रख देंगे तो उस पर जंग पकड़ लेगा, तो जंग ना पकड़े तो पहले क्या करते हैं, जो हमारा स्लिप गेज होता है उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड की मदद से धो करके साफ करते हैं, पानी से नहीं धोया जाता, कार्बन टेट्राक्लोराइड की मदद से धो करके साफ किया जाता है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, आपके पास एक पेट्रोलियम जेली होता है, क्या होता है, पेट्रोलियम जेली या फिर एसिड फ्री वैसलीन, एसिड फ्री वैसलीन, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड से धोने के बाद हम लोग उस पर पेट्रोलियम जेली या एसिड फ्री वैसलीन लगा देते हैं। पेट्रोलियम जेली क्यों लगाते हैं या एसिड फ्री वैसलीन क्यों लगाते हैं, जिससे कि उस पर जंग ना पकड़े। तो अगर क्वेश्चन में आपके पूछेगा कि स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए उस पर क्या लगाया जाता है, तो पेट्रोलियम जेली या एसिड फ्री वैसलीन। अगर क्वेश्चन में यह पूछता है कि स्लिप गेज को साफ किससे किया जाता है, तब कार्बन टेट्राक्लोराइड सही होगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखते हैं कि कभी भी जब पेट्रोलियम जेली या एसिड फ्री वैसलीन, पेट्रोलियम जेली या एसिड फ्री वैसलीन जब लगा करके हम उसको रख देंगे, ठीक है, पहले तो हम उसे कार्बन टेट्राक्लोराइड से धोएंगे, उसके बाद पेट्रोलियम जेली या एसिड फ्री वैसलीन लगा करके उसको रख देंगे, लेकिन जब हमें उसे दोबारा यूज में लेना होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसमें पेट्रोलियम जेली लगा हुआ है ना, तो जब हम उसे दोबारा यूज करना चाहेंगे तो फिर उसे कार्बन टेट्राक्लोराइड से धोया जाएगा,
क्या किया जाएगा, फिर कार्बन टेट्राग्लोराइड से इस पेट्रोलियम जेली को धो करके उस स्लिप गेज से साफ करेंगे। उसके बाद स्लिप गेज भाई गीला हो गया ना, तो स्लिप गेज को चैमोइस लेदर से पोंछ कर सुखाया जाता है। ठीक है, ये चैमोइस लेदर क्या है, तो यह एक तरह का चमड़ा होता है एक हिरन का, एक हिरन एक जाति होती है चैमोइस जाति का, उसके चमड़े का बनाया जाता है एक कपड़ा होता है चैमोइस लेदर, जिससे हम लोग फिर स्लिप गेज को पोंछते हैं सुखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है किस सामग्री से चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है। ठीक है, विच मेटेरियल इज टू वॉश ऑफ लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग, मतलब लैपिंग प्लेट को हम लोग चार्ज करने के बाद किस सामग्री से धोते हैं। ठीक है, लैपिंग प्लेट को चार्ज करना क्या होता है, देखिए लैपिंग क्या है हमारा, तो लैपिंग जो होता है किसी जॉब को फिनिश करने के लिए, उसको आखिरी स्टेज में बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के लिए यूज किया जाता है। लैपिंग बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट फिनिश करता है, बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग देता है फाइलिंग ग्राइंडिंग की अपेक्षा, जो फाइलिंग करते हैं आप ग्राइंडिंग करते हैं उनकी अपेक्षा जो लैपिंग होता है बहुत ज्यादा एक्यूरेसी में फिनिशिंग देता है और आपका उसे जॉब के निकटतम साइज मतलब परिशुद्ध साइज के बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये हमारा लैपिंग का काम है। लैपिंग करते कैसे हैं, तो देखिए लैपिंग के लिए हमारे पास एक लैप प्लेट होती है, फिगर मैंने अलग से ले रखा है, ये हमारे पास क्या है लैप प्लेट है, क्या है एक प्लेट होती है लैप प्लेट, इसको हम लोग लैप प्लेट बोलते हैं कि हमारी लैप प्लेट है। या किसका बना होता है, तो जो हमारा लैप प्लेट है ना यह कास्ट आयरन का बना हो सकता है, कास्ट आयरन का बना हो सकता है, आपका कॉपर का बना हो सकता है, ब्रास का बना हो सकता है, लेड का बना हो सकता है। तो जिस हिसाब का काम होता है, जिस हिसाब से हमें जिस मटेरियल के जॉब की लैपिंग करनी होती है, उस हिसाब से हम लोग इसका चयन करते हैं कि लैपिंग प्लेट हमारा किस मटेरियल का होना चाहिए। ज्यादातर तो हम लोग कास्ट आयरन यूज करते हैं, ज्यादातर कास्ट आयरन यूज किया जाता है। तो जो लैपिंग प्लेट है हमारा वो इनमें से किसी भी मटेरियल का हो सकता है। फिर लैपिंग प्लेट देखिए, इसको अभी हम लोग क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले हमें पता तो हो और मैं सीधे आंसर बता दूं, आंसर सुन करके आप काम कर लोगे रटने वाली बात होगी। पहले हमें मालूम होना चाहिए कि लैपिंग प्लेट क्या चीज है और लैपिंग प्लेट को चार्ज करने के बाद धोने की जरूरत क्यों पड़ रही है, दोनों चीजें समझेंगे तब मजा आएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, पहले तो हमें पता चल गया लैपिंग में क्या है, लैपिंग मैंने बताया फिनिशिंग करने की प्रोसेस है, अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए जॉब के इसलिए यूज करें, ज्यादा एक्यूरेट साइज में जॉब को बनाता है, अधिक एक्यूरेसी आती है। कैसे होता है, तो मैंने बताया कि उसके लिए हमारे पास लैप प्लेट होता है जो कि इनमें से किसी भी मटेरियल का बना हो सकता है। ठीक, अब लैप प्लेट पे हम क्या करते हैं, अब पेस्ट के रूप में अब्रेसिव पार्टिकल को, किसको अब्रेसिव पार्टिकल को, पार्टिकल को पेस्ट के रूप में, अब्रेसिव पार्टिकल को क्या करते हैं पेस्ट के रूप में इस पे लगाते हैं। तो जो लैपिंग प्लेट पे अब्रेसिव, पहले तो प्लेट है तो इससे तो कुछ हम कर नहीं पाएंगे, प्लेट पे जो अब्रेसिव पार्टिकल को लगा दिया जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि यह प्लेट अब चार्ज हो गई, प्लेट क्या हो गया चार्ज हो गया, अब इसकी मदद से हम किसी जॉब की फिनिशिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो अब्रेसिव पार्टिकल क्या होता है, तो जो अब्रेसिव पार्टिकल है हमारा ना वह आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, या फिर आपका डायमंड हो सकता है, बोरान कार्बाइड हो सकता है, ठीक है, तो इस तरह से हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, तो किसी भी चीज का वो बना हो सकता है। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड हो सकता है, सिलिकॉन कार्बाइड जो एब्रेसिव पार्टिकल होगा इनमें से किसी भी चीज का बना हो सकता है। एब्रेसिव पार्टिकल क्या होता है, छोटा छोटा तीक्ष्ण धार वाला हमारे पास टुकड़ा होता है, छोटा छोटा तीक्ष्ण धार वाले टुकड़े होते हैं, वह इनमें से डायमंड बोरान कार्बाइड एल्युमिनियम ऑक्साइड सिलिकॉन कार्बाइड किसी का भी छोटा छोटा टुकड़ा बुरादा टाइप का हो सकता है, और इसको हम पेस्ट के रूप में बनाते हैं। पेस्ट बना करके इस प्लेट पे फैला दिया जाता है, और जब पेस्ट बना करके प्लेट पे लगा देते हैं तो बोला जाता है कि यह लैपिंग प्लेट हमारी चार्ज हो गई, लैप प्लेट चार्ज हो चुका है। अब इसकी मदद से हम लोग जॉब की, यह जो ऊपर दिखाया गया है हमारे पास ये क्या है, यह हमारा वर्कपीस है या जॉब है जिसकी हमें लैपिंग कर दी है। जब यह और बीच में ही हमारा जो दिखा रहा है क्या है, ये हमारा क्या है अब्रेसिव पार्टिकल है, जब चार्ज हो जाता है तब इसको हम घिस करके जॉब की फिनिशिंग करते हैं। तो अब बात आती है, इतना तो समझ में आया होगा, बात आती है कि हमें धोना किस लिए पड़ रहा है। जब हम लोग लैपिंग यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल को पेस्ट के रूप में इस लैपिंग प्लेट पे लगाते हैं ना, तो कुछ कण ऐसे होते हैं जो अच्छे से चिपकते नहीं है, उसमें लूज रह जाते हैं। जब आप जॉब की फिनिशिंग करने जाओगे तो जो लूज कण है वो क्या होंगे, पहले ही टूट के गिर जाएंगे और उस सर्फेस पर स्क्रैच मारेंगे, जिससे कि फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। बात समझ में आई,
इसमें जब हम पेस्ट के रूप में एब्रेसिव पार्टिकल को लगाते हैं तो कुछ उसमें पार्टिकल जो है वो लूज रह जाते हैं, अच्छे से चिपकते नहीं है, तो वो जो लूज पार्टिकल है जो हम फिनिशिंग करने जाएंगे वो जॉब पे पहले ही टूट करके गिर जाएगा, और उस बीच में जब वो रोल करेगा इधर उधर रोल करेगा तो जॉब के सरफेस पे स्क्रैच मारेगा। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको चार्ज करने के बाद जो लूज पार्टिकल है वह गिर जाए उसके लिए इसको धोया जाता है। लैपिंग प्लेट को चार्ज करने के बाद उसे धोते हैं जिससे कि उसका जो लूज पार्टिकल है वो पहले ही गिर जाए और जॉब के सरफेस पे स्क्रैच ना करे। तो किससे धोते हैं, तो वह होता है केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल से। क्लियर, मिट्टी के तेल से धोया जाता है जिससे कि जो एब्रेसिव पार्टिकल इसमें लूज रह गए हुए हैं वो पहले ही गिर जाए और दिक्कत ना करे। ये कहानी थी इसकी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। हमने पहले ही बात कर लिया था कि अगर जंग से बचाना है तो पेट्रोलियम जेली या फिर एसिड फ्री वैसलीन, एसिड फ्री वैसलीन। ठीक, बाकी अगर हमें उसे धोना होगा तो किससे धोएंगे स्लिप गेज को, कार्बन टेट्राक्लोराइड से। लैपिंग प्लेट था तो केरोसिन से, क्योंकि उसमें पार्टिकल को गिराना था ना, तो उसको केरोसिन से धोते हैं। लेकिन जब स्लिप गेज की बात करेगा तो किससे धोया जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। देखिए स्लिप गेज हमारा अलग अलग साइज का होता है, मान लीजिए 2 mm, 3 mm, 5 mm ऐसे पाया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए आपको किसी विशेष साइज का चाहिए, आपको स्लिप गेज मान लीजिए 8 mm का चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 2-3 स्लिप गेज को आपस में घिस क्या करते हैं, आपस में जोड़ करके उस साइज का बनाते हैं। जब हमें किसी विशेष साइज का स्लिप गेज चाहिए तो हम क्या करते हैं, 2, 3, 4 जितने भी स्लिप गेज लगेंगे उतने स्लिप गेज को आपस में जोड़ करके उस साइज का बनाएंगे। जोड़ेंगे कैसे, तो 2 स्लिप गेज लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस दिखाया गया है। पहले दोनों स्लिप गेज को क्रॉस में रखते हैं, 2 स्लिप गेज लेंगे और दोनों के एक दूसरे के ऐसे क्रॉस में रखेंगे जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया। क्रॉस में रखने के बाद उसको देखिए यहाँ एरो दिखाया गया कि इसको इधर मतलब इसको ऐसे घुमाएंगे जैसे नीचे फिर सीधा हो गया। पहले दोनों स्लिप गेज को क्रॉस में रखेंगे फिर उन्हें ऐसे सीधा घुमाएंगे, ऐसे हो जाएगा। फिर उसको थोड़ा आगे को खिसकाते हैं फिर वापस पीछे ले आते हैं। ऐसे ले आने से क्या होता है कि उनके बीच में जो वैक्यूम या एयर है वह खत्म हो जाती है और फिर दोनों स्लिप गेज आपस में अपने आप इस वैक्यूम की वजह से, क्योंकि बीच में हवा नहीं रह गई, और इस वैक्यूम की वजह से अपने आप चिपक जाते हैं, कोई अलग चीज नहीं लगाना पड़ता है। दोनों स्लिप गेज आपस में जुड़ जाते हैं और यह जो प्रोसेस हम करते हैं 2 स्लिप गेज को आपस में जोड़ने का, इसको बोला जाता है रिंगिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, रिंगिंग प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, तो 2 स्लिप गेज को आपस में जोड़ने की यह जो विधि है रिंगिंग प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की, मतलब जब रिंगिंग प्रोसेस के द्वारा हम विशेष साइज के लिए कई सारा स्लिप गेज जोड़ करके आपस में बनाते हैं तो उसमें क्या प्रक्रिया होती है। सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें, ब्लॉक की अधिकतम संख्या ग्रेड 0 एक्यूरेसी के साथ निर्माण, छोटी स्लिप गेज से रिंगिंग शुरू करें। देखिए हम लोग सबसे मान लीजिए आपको 2-3 स्लिप गेज है, एक स्लिप गेज इस साइज का है, एक स्लिप गेज इस साइज का है, एक स्लिप गेज इस साइज का, इन तीनों को हमें जोड़ना है। तो अगर मान लीजिए आप पहले छोटे वाले से अगर शुरू करेंगे, छोटा में बड़ा जोड़ देंगे फिर उसमें बड़ा जोड़ना होगा, तो जब आप घुमा करके जोड़ने की कोशिश करेंगे तो उनके खुलने का अलग अलग होने का डर रहेगा, उतना सही काम नहीं बनेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा वाला लेते हैं, सबसे पहले बड़ा स्लिप गेज लेंगे, फिर उससे जो थोड़ा छोटा है इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, फिर उससे जो छोटा है उसको जोड़ेंगे। इसका मतलब रिंगिंग प्रोसेस करते समय 2 स्लिप गेजों को, 3 स्लिप गेजों को एक साथ साइज में बनाने के लिए जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े स्लिप गेज से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं रिंगिंग प्रोसेस, बड़े स्लिप गेज से। तो वही चीज है, सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, इस गेज का नाम क्या है, या गेज आपको फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, इसमें जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, इसको हम लोग फिक्स्ड एंड व्हील कहते हैं। इसकी साइज को कम ज्यादा नहीं किया जा सकता, नहीं खिसकाया जा सकता, या जहां है वहीं रहेगा। लेकिन ऊपर या जो दोनों एंड व्हील है, यह और यह, इन दोनों एंड व्हील को एडजस्टेबल एंड व्हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल एंड व्हील। इन दोनों को लगभग 6 mm तक एडजस्ट किया जा सकता है इस एंड व्हील को। तो मतलब यह एक इसमें से गो होता है, जो पहला वाला होता है यह हमारा गो होता है, और जो दूसरा वाला होता है यह हमारा नो गो होता है। ठीक है, तो इनको मतलब जो हमारा जॉब का साइज होगा उसके हिसाब से इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सकता है जॉब के हिसाब से, गो और नो गो वाले को, क्योंकि इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस गेज को, इसीलिए इस गेज को एडजस्टेबल स्नैप गेज कहते हैं, या एडजस्टेबल कैलिपर गेज भी कई बार बोला जाता है, एडजस्टेबल कैलिपर गेज। समझ में आया, बिल्कुल आसान है, बस इसके अगर वही मैंने कहा ना, फिगर आपके दिमाग में आ जाए और इसके बारे में आप जानते रहो। आपसे नाम ले भाई, फिगर आपने देखा तो आपको इसके बारे में पता चलेगा, नीचे फिक्स्ड एनविल है, ऊपर जो दोनों एनविल है वो एडजस्टेबल एनविल है,
तो यही से आधा काम बन गया कि एडजस्टेबल एनुअल है, मतलब एडजस्टेबल स्नैप गेज होगा, एडजस्टेबल एनुअल है, इसमें गो और नो गो को एडजस्ट किया जा सकता है, इसीलिए यह एडजस्टेबल स्नैप गेज कहलाता है। इसका काम क्या है? तो भाई वही जॉब की बाहरी चीजें को चेक करेगा, भाई जॉब की बाहरी मोटाई वगैरह का या ब्यास का होगा तो उसको हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं। जबकि प्लेन स्नैप गेज क्या होता है? यह वाला जो फिगर है यह प्लेन स्नैप गेज है, या फिर इसको हम लोग डबल इंडेड स्नैप गेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों साइड सिरा बना हुआ है, डबल इंडेड, ठीक है। उसी तरह इसको सिंगल इंडेड भी बोल सकते हैं, यह जो स्नैप गेज है ना एडजस्टेबल के साथ साथ इसको सिंगल इंडेड भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक ही साइड ना गो और नो गो दोनों एक ही साइड है, तो सिंगल इंडेड भी कहलाता है, सिंगल इंडेड स्नैप गेज भी इसको बोलते हैं। जबकि इसमें दोनों दो साइड है तो डबल इंडेड स्नैप गेज कहिए या फिर प्लेन स्नैप गेज कहिए। इसका काम क्या है? किसी जॉब की चौड़ाई को यह चेक कर सकता है, लंबाई को चेक कर सकता है, मोटाई को चेक कर सकता है, ब्यास को, बाहरी ब्यास रहेगा, कौन सा ब्यास? बाहरी ब्यास को चेक कर सकता है, भाई इधर को इधर नो को। तो इसमें हम लोग बाहरी ब्यास को या फिर लंबाई मोटाई चौड़ाई किसी भी चीज को एक बार गो वाला में और एक बार नो गो वाला में डाल करके चेक कर सकते हैं। थ्रेड स्नैप गेज क्या है? तो यह वाला जो फिगर आपको दिख रहा है यह थ्रेड स्नैप गेज का है, बहुत आसान है। देखिए स्नैप गेज सी की आकृति का है, स्नैप गेज है, और चूंकि यहाँ पे आगे देखिए थ्रेड कटा हुआ है तो थ्रेड स्नैप गेज। यह क्या करता है? यह थ्रेड की प्रोफाइल को, थ्रेड के आकार या प्रोफाइल को चेक करता है, इसको थ्रेड के आकार तथा प्रोफाइल को चेक करने के लिए हम लोग थ्रेड स्नैप गेज यूज करते हैं, ठीक। अगला है थ्रेड पिच गेज, जो यह वाला फिगर दिख रहा है ना यह थ्रेड पिच गेज है, या फिर इसको हम लोग स्क्रू पिच गेज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? स्क्रू पिच गेज। जो स्क्रू होता है ना, मैंने आपको ये चीजें पहले भी बताई है कि ये जो इस टाइप से स्क्रू होता है, देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, कि जो लोग नहीं देखे हैं वो एक बार अपना प्ले स्टोर पे चले जाइएगा, वहाँ से ग्लोबल आईटी सर्च करेंगे तो आपको हमारा वहाँ पे ऐप मिल जाएगा ग्लोबल आईटी के नाम से। वहाँ पर मैंने जो सारी चीज़ें हैं ना, सोचिए मैं आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना चीज़ें बता रहा हूँ तो मैंने थ्योरी में कितना बताया होगा। सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से एक एक हेडिंग, चैप्टर वाइज एक एक हेडिंग पूरा वहाँ पे क्लियर कर रखा है मैंने। इसलिए मैं आप लोग से बार बार कहता हूँ कि पढ़ते रहिए। जो लोग वहाँ पे क्लासेस ज्वाइन करके पढ़े होंगे उन्हें मुझे उम्मीद है आज कि पूरा एकदम मजे से क्वेश्चन कर रहे होंगे, मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा जिन्होंने कल क्लासेस ज्वाइन किया था उन्हें मजा आ रहा है नहीं, फायदा मिला या नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई आप अपने आईटीआई में पढ़ लो, ठीक है, आप खुद से बुक ला के पढ़ लो। अगर इस चीज़ें नहीं हो पाता है तो हमने आपको वहाँ पर भी सुविधा दे रखी, आप ऐप पर भी क्लासेस ज्वाइन करके पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़िए जरूर, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पढ़िए जरूर, ठीक है। एक अच्छी तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो स्क्रू पिच गेज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है? मैंने बताया कि स्क्रू पर जो थ्रेड कटा होता है, स्क्रू पर जो हमारा क्या कटा होता है, थ्रेड कटा होता है, तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो दूरी होती है वही हमारा क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। और यह पिच कितना है यह चेक करने के लिए हम लोग स्क्रू पिच गेज यूज करते हैं। स्क्रू पिच गेज में आपका कई सारी देखिए ब्लेड है और सभी ब्लेडों पे अलग अलग थ्रेड कटा हुआ है, और सब या ब्लेड पे क्या रहता है उनका पिच अंकित होता है कि यह कितना पिच वाला थ्रेड है, इस पर कितना पिच वाला थ्रेड है। जैसे लिखा 0.35 पिच वाला थ्रेड है या 0.5 वाला या 0.75 पिच वाला थ्रेड है, तो कैसे पता चलेगा इस बोल्ट का थ्रेड का पिच कितना है? तो हम लोग एक एक ब्लेड को यहाँ रखते हैं, जो थ्रेड बिल्कुल इस वाले थ्रेड से अच्छे से मैच कर जाती है उस ब्लेड पे उसका पिच हम लोग पढ़ लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि इस बोल्ट या स्क्रू का भी वही पिच है जो इस ब्लेड पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम स्क्रू पिच गेज या थ्रेड पिच गेज की मदद से हम किसी बोल्ट या स्क्रू के पिच को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है? देखिए वही बात आ गई ना, मैंने आपसे बताया था कि जो लैपिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी में हमारा फिनिशिंग करता है, ठीक है। इससे जो फाइलिंग है, ग्राइंडिंग है, टर्निंग है, या सारे अलग अलग प्रोसेस हैं, तो फाइलिंग, टर्निंग या ग्राइंडिंग इनकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी हमें किससे मिलती है? लैपिंग से मिलती है। लैपिंग वाला हमने लगा रखा, देखिए लैपिंग प्लेट हो गया आपका, ये वर्कपीस हो गया, लैपिंग प्लेट हमारा किसका होगा? कास्ट आयरन का हो सकता है, ब्रास का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, या फिर लेड वगैरह का हो सकता है। और उसके बाद ये जो एब्रेसिव पार्टिकल है, तो एब्रेसिव पार्टिकल हमारे एल्युमिनियम ऑक्साइड के हो सकते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड के हो सकते हैं, डायमंड के हो सकते हैं, बोरान कार्बाइड के हो सकते हैं। और इन दोनों को आपस में जब प्लेट चार्ज हो जाती है तो इसे केरोसिन ऑयल से धो दिया जाता है जिससे कि उसके लूज पार्टिकल उससे अलग हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसके जॉब पर संपर्क में ला करके उसकी फिनिशिंग करते हैं। तो लैपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें हाई एक्यूरेसी में, डायमेंशनल एक्यूरेसी में हमें एक्यूरेसी ज्यादा प्राप्त होती है, हाई डिग्री प्राप्त होती है, ठीक है, एक्यूरेसी की। तो यह हो जाएगा क्या? लैपिंग।
बाकी फाइलिंग क्या है, तो किसी जॉब पर जब आप फाइल के द्वारा घिसते हैं तो वही प्रक्रिया फाइलिंग कहलाती है। टर्निंग क्या है, तो लेस मशीन पर होता है। लेस मशीन में क्या होता है, लेस मशीन में का जो हमारा चेक होता है, चेक में हमारा बेलनाकार जॉब बांध दिया जाता है और फिर यहाँ पे हमारा एक टर्निंग टूल लगा होता है, जॉब हमारा रोटेट करता है और टर्निंग टूल हमारा इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल मोशन करता है, ठीक है। तो ये अक्ष के लंबवत इधर मोशन करेगा, जॉब घूमता रहेगा और इसमें से एक एक पतली पतली परत उतारता जाता है, उसी को हम लोग टर्निंग बोलते हैं। ग्राइंडिंग क्या होता है, तो आपने वर्कशॉप वगैरह में अपने देखा होगा, आईटी कॉलेज में जाते होंगे, वहां पे ग्राइंडिंग मशीन लगी होती है, उस पर एक व्हील लगा होता है जो कि मोटर ऑन करते ही, स्विच ऑन करते ही उसका मोटर घूमने लगता है, उसके साथ साथ ग्राइंडिंग व्हील भी घूमने लगती है और उस पर जो है हम जॉब वगैरह लगा करके उसकी फिनिशिंग करने की कोशिश करते हैं, तो यह हो जाएगा ग्राइंडिंग हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है कि सब घर्तक का उपयोग नरम इस्पात और अलौ धातुओं की लैपिंग के लिए किया जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था जो लैपिंग होती है हमारी, लैपिंग में एक लैप प्लेट होता है जो कि कास्ट आयरन का या फिर कास्ट आयरन का, कॉपर का या फिर ब्रास का या फिर लेड का बना हो सकता है और उस पर हम लोग अब्रेसिव पार्टिकल लगा रहे थे फिनिशिंग के लिए। अब्रेसिव पार्टिकल किसका था, तो इन्हीं चारों को मैं बार बार नाम ले रहा था ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड की जगह यहाँ पे फ्यूज्ड एल्युमिना लिखा हुआ है, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंतर्गत दो आते हैं, फ्यूज्ड एल्युमिना और अनफ्यूज्ड एल्युमिना, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों को भी चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं, तो देखिए सिलिकॉन कार्बाइड किसके लिए, मतलब हम लोग जो अब्रेसिव पार्टिकल, मैंने बताया ना कि जो हमारा जॉब होगा उसके हिसाब से हम लोग अब्रेसिव पार्टिकल का चयन करेंगे, तो कब हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड का चयन करेंगे, अब्रेसिव पार्टिकल के रूप में कब सिलिकॉन कार्बाइड का चयन किया जाएगा, तो सिलिकॉन कार्बाइड का चयन तब किया जाएगा जब हमें हार्ड स्टील की लैपिंग करनी हो, किसकी करनी हो, हार्ड स्टील की लैपिंग करनी हो या फिर कास्ट आयरन का करना हो, या फिर कास्ट आयरन का करना हो। कैसे याद रहेगा, याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सिलिकॉन में यस आ रहा है, कार्बाइड में सी आ रहा है, सिलिकॉन में यस आ रहा है, कार्बाइड में सी आ रहा है, सी से क्या हो जाएगा, सी से कास्ट आयरन हो जाएगा, एस से क्या हो जाएगा, एस से स्टील हो जाएगा, हार्ड आप खुद से लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यह बस मैंने छोटा सा तरीका बताया जिससे याद रहेगा कि सिलिकॉन कार्बाइड, तो आप वर्ड से पकड़ना, यस मतलब स्टील, सी का मतलब कास्ट आयरन, मतलब हार्ड स्टील और कास्ट आयरन की लैपिंग के लिए सिलिकॉन कार्बाइड यूज किया जाएगा, ठीक। डायमंड, डायमंड यह सबसे अधिक कठोर होता है, जो डायमंड होता है अब्रेसिव, जब हम डायमंड यूज करते हैं तो यह सबसे ज्यादा कठोर होता है। यह यूज किया जाता है जब छोटे सुराखों की लैपिंग करना हो, छोटे होल या छोटे सुराखों की लैपिंग करनी हो, छोटे सुराखों की लैपिंग करना हो तब यूज किया जाता है डायमंड, या फिर जब अधिक कठोर पदार्थ हो जैसे कि टंगस्टन कार्बाइड, क्या टंगस्टन, थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, टंगस्टन कार्बाइड, वर्ड आप लोग सुनिएगा, राइटिंग मेरी इतनी बहुत अच्छी नहीं है, सुनते रहिए, ठीक है। टंगस्टन कार्बाइड हो या फिर सिरेमिक, या फिर सिरेमिक हो, अगर इसकी हमें लैपिंग करना है तब उसके इसमें डायमंड यूज किया जाएगा। तो ध्यान रखना, चाहे छोटे सुराख की बात करें या इन मटेरियल की बात करें, दोनों केस में डायमंड का यूज किया जाता है अब्रेसिव पार्टिकल के रूप में। बोरान कार्बाइड का यूज करते हैं, तो जो बोरान कार्बाइड है कठोरता में डायमंड के जस्ट बाद दूसरे नंबर पे आता है, सबसे अधिक कठोर डायमंड है, सबसे अधिक कठोरता की बात की जाए तो डायमंड है, डायमंड के जस्ट बाद किसका स्थान है, बोरान कार्बाइड का है। बोरान कार्बाइड काफी महंगा भी होता है, इसीलिए इसका जो यूज किया जाता है ना वो गेज व लैप, गेजो डाई व गेज की लैपिंग के लिए, किसके लिए, सॉरी, ठीक है, यह यूज किया जाएगा डाई व गेजो की लैपिंग के लिए। गेज जानते हैं ना, अभी जो हम पढ़ रहे थे भाई, रिंग गेज और प्लग गेज, तो उन सबों की जब लैपिंग करनी होती है तो हम लोग बोरान कार्बाइड वाला पार्टिकल यूज करते हैं। फ्यूज, देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड में दो है, फ्यूज्ड एल्युमिना और अनफ्यूज्ड एल्युमिना। फ्यूज्ड एल्युमिना कब होगा, देखिए थोड़ा सा मैं तरीका बस बताऊंगा याद करने का, सीरियस वाली बात नहीं है, मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। ऐसा लग रहा है ना, फ्यूज्ड, फ्यूज्ड का मतलब पिघला हुआ, कोई चीज अगर पिघली भी रहेगी तो कैसी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी ना, मेटल कोई पिघला देते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, सूखने के बाद हार्ड हो जाता है, तो अगर कोई चीज पिघली हुई है इसका मतलब वो सॉफ्ट है। तो ये याद करने का तरीका है कि फ्यूज्ड एल्युमिना मतलब, फ्यूज मतलब पिघला हुआ, एल्युमिना मतलब सॉफ्ट टाइप का होगा, इससे याद आ जाएगा कि यह किसके लिए यूज किया जाएगा, नरम स्टील के लिए, सॉफ्ट स्टील के लिए, किसके लिए, सॉफ्ट स्टील के लिए या फिर नॉन फेरस मेटल के लिए, किसके लिए, सॉफ्ट स्टील या फिर नॉन फेरस
FeRR OUS ठीक है, नॉन फेरस स्टील के लिए हमारा, सॉरी नॉन फेरस मेटल ना, नॉन फेरस अलौ धातुओं के लिए, मेटल के लिए ठीक। फ्यूज ज्वाला कब यूज करेंगे, जब अधिक एक्यूरेसी की जरूरत हो ठीक है, सॉरी उच्च फिनिशिंग की, अधिक नहीं सॉरी उच्च फिनिशिंग की, जब उच्च फिनिशिंग की जरूरत होती है, अच्छी फिनिशिंग की बात की जाती है, तो उस केस में हम लोग अनफ्यूज्ड एल्यूमिना यूज करते हैं। और अगर हमें सॉफ्ट स्टील या नॉन फेरस का करना होगा तो फ्यूज्ड एल्यूमिना, ये सारी चीजें हो गई, इनको आप नोट कर लीजिएगा और इनको जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे 100% आता है, हो सकता है बस चीजों को इधर उधर बदल दे ठीक है, इसका पूछ सकता है, इसका पूछ किसी का भी पूछ सकता है, तो आप सबका जानते रहिए, कोई भी पूछेगा कोई दिक्कत नहीं होगा। यह सिर्फ आपके ITI एग्जाम में नहीं, इवन आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में भी इससे 100% क्वेश्चन बनता है, तो इस चीज को आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है अभी की भी एग्जाम के लिए, और आगे भविष्य में अगर आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह की वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां भी आपका काम आएगा। लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रुप्स क्यों प्रदान किए जाते हैं, देखिए ये लैपिंग प्लेट है, अभी लोग बात कर रहे थे ना कि लैपिंग प्लेट होता है, कास्ट आयरन का हो सकता है आपका, कॉपर या फिर ब्रास का हो सकता है, उस लैपिंग प्लेट पे हम लोग एब्रेसिव पार्टिकल का पेस्ट लगा देते हैं तो बोलते हैं कि वो लैपिंग प्लेट चार्ज हो गई ठीक है। तो यही देखिए आपको जाकर लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रुप्स भी बनाए जाते हैं, तो वो क्यों दिए जाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे लैपिंग प्लेट बना दिखाया गया, जो क्या है हमारा लैपिंग प्लेट है, और इस लैपिंग प्लेट में यहाँ ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप्स पूरा लंबाई में ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे भी पूरा ग्रुप्स बनाया, ऐसे ऐसे भी बनाया, आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो यह ग्रुप्स क्यों बनाया गया है, यह ग्रुप्स क्यों बनाया गया, तो यह इसलिए बनाया जाता है कि जब लैपिंग प्लेट पे हम लोग क्या करते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल को पेस्ट के रूप में, मैंने बताया ना एब्रेसिव पार्टिकल को लैपिंग प्लेट पे पेस्ट के रूप में लगाया जाता है। तो अगर बिल्कुल प्लेन प्लेट होगी तो इस पे पेस्ट लगाओगे आप तो यह रुकेगा कैसे, गिर जाएगा ना भाई, पेस्ट अगर आप रखोगे प्लेन प्लेट पे तो गिर जाएगा, इसीलिए प्लेट पे क्या इस तरह से ग्रुप्स काटा गया होता है, ऐसे लंबाई में भी और ऐसे से भी, जब ग्रुप्स कटा रहेगा तो क्या होगा, जो आपका पेस्ट होगा वह इन ग्रुप्स में फंस जाएगा और यह रुका रहेगा, फिर आप इस पर जो है यह जॉब दिखाया गया है जिसको लैपिंग करना, फिर इसको इस पर रगड़ करके आप लैपिंग कर पाओगे। इसका मतलब आप यह कह सकते हैं कि यह जो लैपिंग प्लेट पे यह जो ग्रुप्स बनाए गए हैं यह इसलिए बनाए गए हैं जिससे यह एब्रेसिव पार्टिकल का जो पेस्ट है उन्हें पकड़ के रख सके, उन्हें पकड़ करके रख सके, उन्हें रिटेन कर सके। तो ऑप्शन देखेंगे आप, यहाँ पे ऑप्शन है देखिए सी वाला, टू रिटेन द एब्रेसिव, अब घर्षक को बनाए रखने के लिए, रिटेन करना मतलब बनाए रखना, उन्हें पकड़े रखना। तो ग्रुप्स क्यों काटा गया लैपिंग प्लेट में, जिससे कि हुआ एब्रेसिव पार्टिकल के जो पेस्ट है उन्हें पकड़े रहे, उन्हें रिटेन किए रहे, उन्हें बनाए रहे, तो ये अभ्यर्थक को बनाए रखने के लिए या पकड़े रखने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं लैपिंग प्लेट में ग्रुप्स को काटते हैं। क्लियर हुआ होगा, या देख रहे हैं स्क्वायर प्लेट है, अलग अलग आता है, देखिए तो बिल्लाकार वाला भी आता है, तो हमारे आगे आएगा अभी क्वेश्चन तो लोग सॉल्व करेंगे, तो जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से यूज करते हैं, उसमें स्लिट भी होता है, उसमें ग्रुप्स होता है स्लिट भी होता है, तो वह किस लिए होता है स्लिट और किस लिए ग्रुप्स होता है, ग्रुप्स वाला तो सेम यही कहानी है, पर स्लिट अलग चीज होती है, वो एक्सपेंशन के लिए होता है, उसको हम लोग आगे बात करेंगे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला है सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है, यह फिगर में दे रखा है, यह जो फिगर दिखा रखा है यह कौन सी विधि की बात कर रहा है, देखिए सरफेस हार्डनिंग का मतलब होता है कि सिर्फ सरफेस को हार्ड करना, हमें कई जगहों पे ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें ऐसा मटेरियल चाहिए होता है कि जो उसका सरफेस तो हार्ड रहे लेकिन अंदर से वह टफ और मुलायम बना रहे, जिससे कि वह ऊपर जब टच में आए किसी के संपर्क में आए तो वह घिसे भी ना, और जब झटका लगे तो उस झटके को वह सहन भी कर ले, तो झटका को सहन कब कर पाएगा जब वो अंदर से टफ और मुलायम होगा, तो वाइब्रेशन है जो झटका लगेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसी जरूरत कहां पे पड़ती है, जैसे कि आपका गियर हो गया, क्या हो गया गियर, या फिर कैम हो गए, गियर होता है ना, गियर में दांते बने होते हैं इस टाइप से, गियर में दांते बने होते हैं ठीक है, और इधर दूसरा गियर इसे इसके साथ संपर्क में रहता है ऐसे फिगर से ना ठीक है, जब गियर आपस में टकरा के चलेंगे तो इसका मतलब हमें चाहिए होगा कि गियर का जो ऊपरी सरफेस रहा है, ऊपरी सरफेस इधर वाला, ये सब हार्ड रहे, क्यों, क्योंकि दो दांते आपस में टकरा करके फंस करके चल रहे, अगर हार्ड नहीं रहेगा तो वो जल्दी घिस जाएगा, लेकिन जब गियर आपस में फंस कर चलेंगे तो उनमें झटका भी लगेगा, तो हम चाहेंगे कि इसका अंदर का भाग टफ और मुलायम भी रहे जिससे कि झटके को सहन कर ले। तो गियर वगैरह में क्या किया जाता है, सरफेस हार्डनिंग किया जाता है, सरफेस हार्डनिंग का मतलब है कि सिर्फ सरफेस को हार्ड किया जाएगा, अंदर का भाग टफ और मुलायम बना रहेगा, सिर्फ ऊपरी सतह को हार्ड कर देना और अंदर के भाग को टफ और मुलायम बने रहने देना, वही हमारा सरफेस हार्डनिंग कहलाता है, जिससे कि वो झटके को भी सहन कर सके, टूटे ना। तो सरफेस हार्डनिंग की कई सारी विधियां हैं, उनमें से यह कई सारा दिखाया गया, जैसे नाइट्राइडिंग होता है, पैक कार्बराइजिंग होता है, फ्लेम हार्डनिंग होता है, इंडक्शन हार्डनिंग होती है ठीक है।
चलिए तो नेट पहला हम लोग देखते हैं नेट राइडिंग कह रहा है। नेट राइडिंग में क्या होता है, इसमें सरफेस को हार्ड किया जाता है। कैसे किया जाता है, उस जो भी जॉब होगा उसके सरफेस में नाइट्रोजन को प्रवेश करा करके उसके सरफेस को ऊपरी सरफेस को हार्ड किया जाता है। किसकी मदद से, नाइट्राइडिंग, नाम में आ रहा है नाइट्रोजन, नाइट्राइडिंग मतलब नाइट्रोजन। जब किसी जॉब के ऊपरी सरफेस में नाइट्रोजन को प्रवेश करा करके उसको हार्ड करने की कोशिश करते हैं तो उसको नाइट्राइडिंग बोला जाता है। क्लियर। नाइट्रोजन कहां से मिलेगा, तो उसके लिए अमोनिया गैस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अमोनिया गैस। अमोनिया गैस से हमारा नवजात नाइट्रोजन निकलता है और वह हमारा नाइट्राइडिंग की प्रक्रिया में मदद करता है। अमोनिया गैस को फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको लगभग 500 डिग्री सेल्सियस पर 500 डिग्री सेल्सियस पर 40 से 100 घंटे तक हमें गर्म करना पड़ता है, तब जाकर के नाइट्रोजन ऊपरी सरफेस में प्रवेश करके उसके सरफेस को हार्ड करता है। ठीक है। पैक कार्बोराइजिंग में क्या होता है, देखिए कार्बोराइजिंग, कार्बोराइजिंग मतलब कार्बन, पैक मतलब पैक करके, उसे एक चीज में पैक करके उसके ऊपरी सरफेस में जब कार्बन की मात्रा प्रवेश कराया जाए, किसी जॉब के ऊपरी सरफेस में जब कार्बन को प्रवेश करा करके उसकी ऊपरी सरफेस को हार्ड करने की कोशिश करते हैं तो कार्बोराइजिंग कहलाता है। किसी बक्से में पैक कर देंगे तो पैक कार्बोराइजिंग हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो टेम्परेचर आता है वो लगभग हम लोग 880 डिग्री सेल्सियस से 930 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं और यह कम समय में हो जाता है, यह लगभग 5 घंटे में आपका हो जाता है, लगभग 5 घंटे में हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे फिगर देखिए, फिगर में क्या है दिख रहा है, आपके पास एक बक्सा दिख रहा है और इसमें पैक ऐसा लग रहा है कि बक्सा है, उसको पैक किया गया है। इसका मतलब कौन सा वाला प्रोसेस है, पैक कार्बोराइजिंग वाला। इसमें दरअसल किया क्या जाता है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें इस बक्से में हमने जिस जॉब को सरफेस को हार्ड करना है, जिस जॉब के ऊपरी सरफेस को हार्ड करना है, सरफेस हार्डनिंग करना है, उसको इस बक्से के अंदर रख देते हैं और उसके साथ में हम लोग कार्बन वाले पदार्थ जिनमें कार्बन हो, जैसे कि लकड़ी हो गया, चारकोल हो गया, कोयला हो गया, हड्डी हो गया, चमड़ा हो गया, इनमें कार्बन पाया जाता है। तो इस बक्से में जॉब को रखने के बाद फिर उसमें लकड़ी, कोयला, चारकोल या फिर कह लीजिए क्या कहते हैं चमड़ा, ठीक है, जो अभी मैंने बताया, या फिर हड्डी, हड्डी को भी इसमें डाल सकते हैं। तो उसको फिर इस जॉब के साथ इसमें डाल दिया जाता है। डालने के बाद इस बक्से को बंद कर देते हैं, फिर बाहरी अंदर से गैसे बाहर ना आए और बाहर की गैसे वातावरण का जो गैसे वो अंदर ना जाए, उसके लिए बक्से को बंद करने के बाद यहाँ पे फायर क्ले लगा देते हैं। एक मिट्टी होती है, फायर क्ले को लगा करके, इस मिट्टी को लगा करके इसको चिपका दिया जाता है, जिससे कि ना तो अंदर की गैस बाहर आए ना बाहर की गैस अंदर जाए। उसके बाद यार डब्बा खुले ना या बॉक्स खुले ना, उसके लिए एक पतले तार से भी इसको बांध दिया जाता है। फिर इसको हम लोग जो है 880 से 930 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं और 5 घंटे तक लगभग करने पे यह हमारी कार्बोराइजिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है। एक चीज और ध्यान देते हो कि अभिक्रिया तेजी से हो, प्रक्रिया को तेज करने के लिए एनर्जाइजर के रूप में, उत्तेजक के रूप में हम लोग क्या, बेरियम कार्बोनेट भी यूज करते हैं। बेरियम कार्बोनेट या फिर कभी कभी सोडियम कार्बोनेट भी यूज किया जाता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि एनर्जाइजर के रूप में अभिक्रिया तेज करने के लिए पैक कार्बोनेट में क्या यूज किया जाता है, तो बेरियम कार्बोनेट ज्यादा तो यही ऑप्शन में आपको मिलेगा, नहीं तो कभी कभी सोडियम कार्बोनेट भी आ जाता है। क्या, सोडियम कार्बोनेट अभिक्रिया को तेज करने के लिए। क्लियर हुआ, दो चीजें क्लियर हुई। अगला है फ्लेम हार्डनिंग, यह जो फिगर आपको दिख रहा है ऑप्शन सी वाला फ्लेम हार्डनिंग, इसका यह फिगर है। फिगर हमें बहुत ध्यान रखना है, यह दोनों जो फिगर है ना यह फ्लेम हार्डनिंग के, यह दोनों जो फिगर है यह फ्लेम हार्डनिंग के। कई बार एग्जाम में आपको फिगर दे करके पूछ लेता है कि कौन सी अभिक्रिया का सरफेस हार्डनिंग का है, तो फिगर जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए। फ्लेम हार्डनिंग में मैं दोनों फिगर इसलिए दिखा रखा हूँ कि कोई भी एग्जाम में आ सकता है, ज्यादातर यह वाला फिगर आपके एग्जाम में आता है। और उसी टाइप से देखिए जो लास्ट वाला है इंडक्शन हार्डनिंग फिगर, जैसे यह फ्लेम हार्डनिंग का यह वाला फिगर है वैसे ही इंडक्शन हार्डनिंग वाला है। तो कई बार बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं फ्लेम वाले में और इंडक्शन वाले में, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिया भी है कि आज आपका डाउट क्लियर रहेगा, आज के बाद डाउट में नहीं रहना चाहिए। ठीक है। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं हम ऊपर ये फ्लेम हार्डनिंग है हमारा, इसमें क्या हो रहा है फ्लेम जल रही है, देख रहे हैं ना, ये हमारा गैस है, ये बर्नर है, यहाँ फ्लेम जल रहा है, फ्लेम जलाते हुए हमारे यहाँ गर्म होती जा रही है और पीछे से ये देखिए वाटर वाला स्प्रे है, ये फ्लेम आगे बढ़ती जाएगी, गर्म होता जाएगा और पीछे से वाटर गिराते हुए आएंगे। तो जैसे ही सरफेस गर्म होगी पीछे पानी गिर जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, तेजी से गर्म होकर जब उसे तेजी से ठंडा करेंगे तो सरफेस हार्ड हो जाएगा। तो ये हमारा फ्लेम हार्डनिंग होता है। या फिर नीचे वाले फिगर में देखिए, यहाँ पर भी ध्यान से देखना पड़ेगा हमें कि ये पाइप में वाटर लगाया गया है, ये वाटर वाली देखिए वाटर स्प्रे है और यहाँ पर हमारा देख रहे हैं ये आग की लौ जलते हुए दिखाया गया है, यहाँ भी आग की लौ जल रही है, गैस भरा जा रहा है और ये बर्नर है और इसमें से आग की लौ जल रही है और नीचे क्या है, नीचे वाटर वाला है, ये बर्नर वाला है, गैस जा रही है और बर्नर से आग जल रहा है, नीचे वाले में वाटर जा रहा है और यहाँ पे वाटर स्प्रे निकल रहा है। तो एक जैसे ये नीचे से ऊपर को ले जाएंगे आप
तो आग जलती हुई गर्म करती हुई जाएगी और पीछे से वाटर स्प्रे वाला ऐसे चला जाएगा पीछे पीछे, तो जियो यह गर्म करेगा या पीछे से ठंडा करते हुए जाएगा, तेजी से गर्म होगा तेजी से ठंडा होगा, सरफेस हार्ड हो जाएगी। तो इसमें हम इसी से पैदा नहीं कि इसमें ऐसे ज्वाला जलती हुई दिख रही है दोनों में, या पानी भी ज्वाला की तरह दिख रहा है, तो ज्वाला की तरह जब दिखेगा तो हमारा फ्लेम आर्डनिंग है। इंडक्शन आर्डनिंग में क्या रहेगा, बिल्कुल प्लेन दिखेगा, जैसे यह दिख रहा है बिल्कुल प्लेन है ना, इसमें कहीं भी ज्वाला जलती हुई नहीं दिख रही, तब इंडक्शन आर्डनिंग है, सिर्फ एक ट्यूब लपेटा हुआ है। ठीक है, इंडक्शन हार्डिंग में हम लोग फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी को यूज करके सरफेस को हार्ड किया जाता है, या बहुत तेजी से मतलब मास प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है, बहुत तेजी से इसमें बहुत जल्दी ही उसकी सरफेस हार्ड हो जाती है कुछ ही सेकंड में इंडक्शन हार्डिंग की वजह से। और इससे एक और फायदा हुआ था कि जो हमारा फ्लेम हार्डनिंग था ना, इसमें पतले मेटल की हार्डनिंग करने में दिक्कत आती थी, क्योंकि ये ज्वाला होती थी जो बहुत तेज गर्म करती थी, तो पतले मेटल के जलने का खतरा रहता है। जो पतले मेटल होते हैं जिनकी मोटाई कम होती है, फ्लेम हार्डनिंग के दौरान उनकी सरफेस हार्डनिंग करना मुश्किल होता है थोड़ा, क्योंकि उनके जलने का खतरा रहता है। इसलिए ऐसे सरफेसों का हम लोग इंडक्शन हार्डनिंग की मदद से बिल्कुल आसानी से उसको हार्ड कर लेते हैं। इंडक्शन हार्डनिंग में हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाला, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो करंट होता है वो करंट ऊपरी सरफेस पे ही प्रवाहित होता है, अंदर नहीं। इसीलिए जब ऊपरी सरफेस पे करंट प्रवाहित होगा, सिर्फ ऊपरी सरफेस इसकी गर्म होगी, अंदर वाली गर्म नहीं होती है। इसीलिए आप देखेंगे कभी भी एल्युमिनियम का, अगर मान लीजिए मोटा तार है जो आपके यहाँ पे खंभों पे जो बिजली का तार खींचा जाता है, देखते हैं एल्युमिनियम का होता है, बट उसमें कभी भी देखेंगे ऐसा नहीं कि अगर इतना मोटा तार है तो पूरा एक मोटा सा एल्युमिनियम बना दिया जाए, नहीं, उसमें कई सारे चार पांच पतले पतले तार रहते हैं, फिर उन्हें ऐड करके आपस में मिला करके मोटा बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ एक मोटा तार बनाएंगे तो सिर्फ आपको मालूम है करंट सिर्फ ऊपरी सरफेस पे फ्लो होती है, करंट सिर्फ जॉब के ऊपरी सरफेस पे, तार के ऊपरी सरफेस पे फ्लो होगी। तो अगर एक मोटा तार बना देंगे इतना मोटा सा, तो सिर्फ ऊपरी सरफेस पे करंट फ्लो होगा, कम करंट जाएगा। और अगर इतना ही मोटा तार आपको बनाना है लेकिन उसमें कई सारे पतले पतले तार जोड़ करके जब बनेंगे, तो हर एक तार के पूरे सरफेस से होकर के गुजरेगा, तो अंदर तक पूरी करंट जाएगी, तो करंट की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए कभी भी देखेंगे जो कॉपर का तार या नॉर्मल आप घरों में जो तार यूज करते हैं, तो उसमें कई सारे पतले पतले तार होते हैं। वो चाहता तो एक ही तार उतना मोटा बना देता, पर एक तार बनाएगा तो क्योंकि करंट हमारी सिर्फ सरफेस पे फ्लो होती है, अंदर फ्लो नहीं होती है, तो एक ही तार बना देगा तो कम करंट फ्लो होगा। इसलिए पतले पतले कई तार बनाए जाते हैं जिससे कि करंट फ्लो की क्षमता बढ़ सके उसकी। ठीक है, तो ये इंडक्शन हार्डनिंग हो गया। इसकी मदद से हम लोग इस तरह से जो आपको हार्ड करते हैं, जितना ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगा उसकी गहराई उस हिसाब से उतनी कम रहती है, कम फ्रिक्वेंसी पे ज्यादा गहराई तक उसको हार्ड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला देखिए वही आ गया, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। यही चीज मैं आपको समझा रहा था ना, देखिए फिगर देख करके पूछ लिया तो आप फिगर में पहचानोगे कि यार इसमें ऐसे ज्वाला जलती हुई दिख रही है और ये नीचे वाटर स्प्रे वाला दिख रहा है, ऊपर ज्वाला जल रहा है, गैस आ रही है और ये बर्नर से ज्वाला जल रही है, और इसमें वाटर आ रहा है और यहाँ स्प्रे हो रहा है। तो जब गैस से बर्नर से ज्वाला ऐसे जलती हुई दिखेगी, इसका मतलब यह फ्लेम हार्डनिंग है। क्या है? फ्लेम हार्डनिंग है। इंडक्शन कब होगा? जब इस तरह से नॉर्मल दिखाया गया होगा, एक कॉपर की ट्यूब है जिसमें पानी फ्लो किया जाता है उसको ठंडा करने के लिए। ठीक है, इस तरह से नॉर्मल, इसमें कोई भी ज्वाला जलती हुई नहीं दिख रही, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इंडक्शन हार्डनिंग हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना रहेगा आपका, लगभग 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो मैं आपको फिगर लगा करके अच्छे से समझा रहा हूँ, चीज़ें समझ में आ रही है नहीं, और इसमें मज़ा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ें मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको हो रहा होगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं तो उतना सही नहीं होता, इसलिए मैं फिगर ले ले रहा हूँ कि फिगर से आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना, हम लोग कमेंट जरूर रिप्लाई भले ही ना हो पाए, मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ आप लोगों का। ठीक है, चलिए हम सब तरह कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।